हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और देश के अन्य राज्यों के मुकाबले यहां के राजनेता शालीन माने जाते हैं, लेकिन अब चुनावी वर्ष में नेता शालीनता भूलने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष में सियासी माहौल गर्माने लगा है, नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे। आलम यह है कि नेता शालीनता भूलकर एक दूसरे पर तलख बयानबाजी कर रहे, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जहां तीखे बयान दे रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पलटवार कर रहे हैं। बीते दिन जहां सीएम ने मुकेश को पागलपन का दौरा पड़ने का बयान दिया था, वहीं मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाषा पर संयम रखने की नसीहत दे रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर दौरे के दौरान मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक ऐसा नेता है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जो कहता है कि 4 साल ओकओवर में पड़ा है। ओकओवर किसी के खानदान का नहीं है या कब्जा करके नहीं रखा है, यह मुख्यमंत्री आवास है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार और वाईएस परमार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का एक नेता ऐसे बोलता है जैसे उसका पुश्तैनी मकान हो। उन्होंने कहा कि 4 साल यही निकाल दिए और 5 साल भी पूरा करेंगे, आने वाले 5 साल भी यहीं पर रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेता हेलीकॉप्टर घूमने को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है। वे कह रहे हैं कि खुद जैसे हेलीकॉप्टर को छोड़कर घोड़े पर जाते थे। एक संवैधानिक व्यवस्था और विकास कार्य को गति देने के लिए सरकारी व्यवस्था के अनुरूप ही प्रदेश का दौरा करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता को लगता है कि उसके परिवार का हेलीकॉप्टर लेके जा रहा हूँ। रोज बोलता है उनकी ऐसी परिस्थिति की सत्ता की भूख आदमी के दिमाग में चढ़ गई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। मुकेश अग्निहोत्री सारी हदें पार करते हुए सीएम जयराम ठाकुर के परिवार तक पहुंच गए हैं। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते भड़ियाल में आयोजित कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में मुकेश अग्निहोत्री एक तरह से आपा खोते हुए नजर आए। हेलीकॉप्टर को लेकर चल रहे जुबानी तीरों के बीच आज मुकेश अग्निहोत्री ने अपने भाषण में सारी हदें पार कर दी। उन्होंने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का नहीं है तो किसी की सहेलियों का भी नहीं है। एक आदमी इनका जो आजकल एक नेता जो इनका जिनको दौरा पड़ा हुआ है, मुझे कहता कि 4 साल से बोलते हो ओकओवर में। मैंने कहा जैसे कि मैं तेरे तुम्हारे खानदान का ओकओवर है जिसको हमने कब्जा कर रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है, जहां मुख्यमंत्री का आवास होगा वहां मुख्यमंत्री रहेगा। वीरभद्र सिंह जी भी वहां रहे नहीं रहे, लेकिन ओकओवर तो कार्यालय था उनका। धूमल जी रहे, शांता कुमार जी रहे, डॉक्टर वाई एस परमार जी रहे। वो तो ऐसा बोलता है जैसे कि ऐसा लगता है कि वो उनके उनका पुश्तैनी मकान है, जैसे कि मैं उसमें रह रहा हूं। 4 साल हो गए, इनका 4 साल के मैं 5 साल भी पूरे करूंगा और फिर 5 साल के फिर आऊंगा। ये गलत है भी निकाल दो, मैंने कहा। और मैं वही कह रहा हूं, सत्ता की भूख जब दिमाग पर चले जाए तो दिमाग बर्बाद होकर रह जाता है। वो परिस्थिति उनकी हो गई। और हिमाचल प्रदेश में कहा अब थोड़ा कर रहे थे कोशिश की भाई कि अब हमारी बारी आ गई। तो बारी, मैंने कहा बारी नहीं आएगी इस बार, रिवाज ही खत्म है। मैंने कहा कई बार विचित्र लगता है, हम आप लोग खबरें देखते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में अपने आप जैसे वो घोड़े पर जाते थे। हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का हेलीकॉप्टर, मुकेश के परिवार का हेलीकॉप्टर थोड़ा नहीं है। मैं जयराम जी को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि टब्बर और परिवार पे जाने की कोशिश मत करना। परिवार पे जाओगे तो बात दूर तलक जाएगी। आज तो तुमने कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का नहीं है, तो ये हेलीकॉप्टर किसी की सहेलियों का भी हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है। सोचते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी पे, मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पे वार करेंगे। आप भी सोच लेना, आपके घर में भी 2 बेटियां हैं और 1 पत्नी है। जितना दूर जाओगे उतनी दूर मुकेश अग्निहोत्री जाएगा। इसलिए संभल के रहो, ऊंची कुर्सी पे बैठे हो, जुबान खुलवाओगे। 4.5 साल में क्या हुआ, अपनी पार्टी चलाओ तो अच्छा रहेगा।
मुद्दों की बात कर रहे हैं। बेहतर रहेगा मुद्दों तक सीमित रहो।